नमस्कार, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जिस शहर लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ रहते हैं, उस शहर में फिर से संगीन अपराध हुआ है। आधा दर्जन गुंडों ने एक पत्रकार के घर डोरबेल बजाकर हमला कर दिया। पत्रकार आबिद अली पर यह हमला हुआ है। घर के गेट पर लाठी डंडों से बीच सड़क पर जान से मारने की नीयत से आधा दर्जन बदमाशों ने यह हमला कर दिया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना शायद इन गुंडों ने कभी नहीं की होगी। पति के बचाव में उनकी पत्नी गुंडों पर बिना डरे टूट पड़ी। लाठी डंडे लेकर हमला करने आए गुंडों पर पत्रकार आबिद की पत्नी ने लाइसेंसी रिवॉल्वर से फायरिंग की। ये देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, पत्रकार आबिद अली पर किस तरह से हमला होता है। देखिए किस तरह से आधा दर्जन गुंडे आबिद अली पर डोरबेल बजाकर टूट पड़ते हैं। पत्रकार आबिद अली पर यह हमला, ये यूपी के लखनऊ की घटना है। ये देखिए लाठी डंडे लेकर आए और ये हमला और ज्यादा खतरनाक हो सकता था। और ये देखिए पीछे से पत्नी आ रही है। और ये देखिए किस तरह से उन्होंने लाइसेंसी रिवॉल्वर चलाई गुंडों पर, जब फायरिंग की है उन्होंने तब जाकर ये गुंडे वहां से भाग खड़े हुए। एक बार फिर से देखिए पत्रकार आबिद अली पर ये हमला। आप जो ये घेरा हम आपको दिखा रहे हैं, इसके भीतर जो शख्स को पिटते हुए आप देख रहे हैं वो पत्रकार आबिद अली हैं। उनके घर की डोरबेल बजाई गई और उसके बाद आधा दर्जन गुंडे, और ये देखिए फिर उनकी पत्नी आती है, उनकी पत्नी आती है और लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के जब फायरिंग करती है तब ये गुंडे भाग खड़े होते हैं। ये बहादुर साहसी महिला जिन्होंने सूझबूझ का परिचय दिया और अपने पति को उन्होंने बचाया, एन मौके पर आई लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के और जिस तरह से उन्होंने हवा में फायरिंग की, डर गए बुरी तरह से ये गुंडे बदमाश जो कि बेल बजाकर बाकायदा आए थे आबिद अली पर हमला करने के लिए। लखनऊ ब्यूरो के संपादक पंकज झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पंकज, ये गुंडे कौन थे, किस मंशा से आए थे, कुछ जानकारी मिल पाई है? देखिए घटना कल दोपहर बाद की है और ये लखनऊ शहर के बाहरी हिस्से में करीब 30 किलोमीटर दूर काकोरी का इलाका है, जहां कुछ दिनों पहले डकैती की कई घटनाएं हुई थी। वहीं अगर आप तस्वीरों में देखेंगे, पहले एक व्यक्ति आता है और फिर आबिद अली से वो बात करता है, उनको बाहर निकलने के लिए कहता है। वो आबिद अली आते हैं, तब तक तस्वीरों में अगर सीसीटीवी में देखेंगे तो सिर्फ एक आदमी दिखता है। फिर जब वो चाबी खोल करके गेट खोल करके बाहर निकलते हैं, अचानक से 8-10 आदमी आ जाते हैं। एक लाठी लेकर के आता है, एक रॉड लेकर के आता है, लगातार हमले करता रहता है। इस बीच में अगर तस्वीरों में देखेंगे, पत्नी जो उनके लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर के एंटर होती है, फिर वो फायर झोंकने लगती है, फायर करने लगती है। उसके बाद गुंडे भागते, कुछ गुंडों ने फिर हमला करने की कोशिश की थी और उसके बाद पति ने मोर्चा संभाला और उनकी जान बच गई है। जो मुझे जानकारी मिली है, इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कल देर रात, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये अली पत्रकार भी हैं, वकील भी हैं, इनकी पत्नी भी वकालत करती हैं और रियल एस्टेट का कारोबार भी करते हैं। तो रियल एस्टेट के कारोबार को लेकर ही इनकी 2-3 लोगों से झगड़े चल रहे थे और जो इन्होंने मुकदमा दर्ज कराया वो नामजद मुकदमा दर्ज कराया है, उन्होंने कुछ अन्य के खिलाफ भी दर्ज कराया है। और ये कहा जा रहा है कि जो रियल एस्टेट के कारोबार में इनका झगड़ा था दूसरे लोगों से, उसकी वजह से कल इन पर जानलेवा हमला मिला हुआ है और जिसकी सीसीटीवी तस्वीरें आई हैं सामने। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये वीडियो एक बार फिर से आप देखिए, बहादुर पत्नी जिन्होंने पति की रक्षा की। तस्वीरों में आप देख सकते किस तरह से आबिद अली जो कि पत्रकार हैं, जिन पर हमला हुआ, उनकी लाइसेंसी रिवॉल्वर लेकर आई और इन गुंडों पर जब उन्होंने फायरिंग की तब भाग खड़े हुए ये आधा दर्जन गुंडे, लाठी डंडे लेकर ये आए थे। और ये तस्वीरें आप शुरू से एक बार फिर से देखिए, आबिद अली के घर की बेल बजाते हैं, उसके बाद पकड़कर पीटने लगते हैं, और भी गुंडे शामिल होते हैं लाठी डंडों के साथ, आबिद अली की बुरी तरह पिटाई करते हैं। लेकिन वक्त रहते पत्रकार आबिद अली की पत्नी, ये देखिए किस तरह से वो एंट्री करती है और अपने पति की जो लाइसेंसी बंदूक है उसको लेकर के जब फायरिंग करती है तब इन गुंडों की हालत खराब हो जाती है और एक के बाद एक भाग खड़े होते हैं वहां से। पत्रकार आबिद अली जो कि बाल बाल बचे हैं इस हमले में, और इसका एक बहुत बड़ा श्रेय उनकी पत्नी की सूझबूझ को जाना चाहिए जिन्होंने अपने पति की लाइसेंसी रिवॉल्वर से एन मौके पर गुंडों पर फायरिंग करते हुए उन्हें वहां से भगा दिया। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।